आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी कमर कस चुकी है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर लगातार जिलों का युद्ध स्तर पर दौरा और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी को जीत दिलाने का जनता से अपील कर रहे हैं। ऐसे में बात की जाए बलिया जनपद के, तो यहाँ 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका स्थित है और सभी 12 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। वहीं इन्हीं प्रत्याशियों के चुनाव का प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का आज बलिया आगमन है। बलिया पहुंचकर मुख्यमंत्री जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील करने वाले हैं। आपको बता दें, बलिया नगर पालिका सीट पर कई सालों से बीजेपी का कोई चेयरमैन नहीं रहा, इसी वजह से इस बार बलिया नगर पालिका सीट पर बीजेपी की खास नजर है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी मिठाईलाल गुप्ता हैं, जो अपने पूर्व में किए गए समाज सेवा के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बलिया नगर पालिका सीट सहित सभी 12 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की प्रचंड जीत होगी और विकास की। संत कुमार मिठाईलाल गुप्ता प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बलिया भाजपा प्रत्याशी, दोपहर 1 बजे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं और यहाँ जो भी विकास है, विकास के रथ के पहिए को और आगे बढ़ेगी और बलिया की जनता अधिक से अधिक संख्या, लाखों लाखों की संख्या में कल सतीश चंद महाविद्यालय के प्रांगण में दोपहर 1 बजे महाराज जी का भाषण सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में हमारे जनता जनार्दन और महाराज जी यहीं से अपील करेंगे। 10 जो है नगर पंचायत है और 2 नगर पालिका है, उसको जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का ये विश्वास है हमें, कि ये समझ लीजिए कि हम लोग सभी नगर पंचायत और नगर पालिका भारी मतों से जीत रहे हैं। उसमें यहाँ की जो नगर पालिका है, आप सर्वे करिए, देखिए, कहीं कोई नहीं है हम लोग के विरोध में, कोई टक्कर ही नहीं है। समझ लीजिए कि हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी और हमारे मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री जो वो उनके नेतृत्व में ये यहाँ की नगर पालिका के चुनाव जो है हम लोग समझ लीजिए कि 27 साल के वनवास में 27,000 वोटों से जीतेगी भाजपा यहाँ पे। सर, आपके सामने 2 महारथी हैं, पूर्व चेयरमैन और एक सपा के बैनर से लड़ रहे हैं, एक बागी होकर निर्दलीय लड़ रहा है और इसके अलावा कांग्रेस भी है, बसपा भी है और बसपा का उमा शंकर सिंह जी का सपोर्ट है, तो आप कैसे निपटेंगे इन तमाम लोगों से, खास नहीं, तो जो पूर्व चेयरमैन है, जनता यहाँ वोट बना ली है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को स्वीकारती है और यहाँ भी उन्हीं का नेतृत्व है और यहाँ पे भाजपा का जो है, ये भाजपा की लहर है, ये नगर में समझ, ये जान लीजिए कि भाजपा की लहर दौड़ गई है ना। आप विश्वास करिए, सर्वे करिए ना, आप सर्वे खुद करिए, आप 10 लोगों में 9 लोग आपको, 9 लोग का 10 के 10 में लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं और महाराज योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे जो है एसोसिएट मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग नगर पालिका भारी भारी से भारी मतों से जीतेंगे, ये हम एकदम से पूर्ण विश्वास। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।